हमारी मौसी, अरे हमारी मौसी छूट के मोर खौसी, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अरे ए काय को मारे डाल रहे हो, ए छोड़ दो, अरे छोड़ दो, कह के निकुआ में धरे दे तो, ए छोड़ दो, ओ लक्ष्मण चाचू, ए लक्ष्मण चाचू, ए लक्ष्मण का काकी की कुकू, छोड़ दो, देखिए छोड़ दिया, बच गओ, और हमारे कल्ली कुशवाहा जी मुस्कुरा खुर्द रोशनी पाल जी, आपकी ओर से 10 मुद्राएं हमारे इस राक्षस के लिए सुरेश कक्कड़ के लिए प्रदान हुई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पहले था राक्षस, अब नहीं हूँ। अरे अभी तुम राक्षस हो, कर्मों से राक्षस हो तुम। अब आ जाए भला, क्या डरता हूँ का, हैं? यू आर गुंडा तो आई एम गुंडी। आ जाए। ये बार बार मार 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 मेरे को हिलुआ बना दे रहे हैं। चटनी, हाँ चटनी, चटनी बना रहे हैं, चटनी तोरे नुकुआ में बेन दे। हाँ अच्छा, हाँ चटनी है। अब आ जाए भला, क्या डरता हूँ का, नहीं डरते। नो झलक दिखला जा सामने, आ जा सामने, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा स्वामी। और हमारे जुगल किशोर जी, आशीष राजपूत जी, नेहा राजपूत जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं प्रदान हुई हैं सुरेश कक्कड़ जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये क्या कर रहे भैया? ए मोबाइल दे दो, मोबाइल आयो, मानना नहीं, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं तो फिर कटेगा। पुष्पा ध्यान देना, पुष्पा पूरा पुष्पा नाम समझकर फ्लावर समझा क्या? क्या हो तुम? क्या हो तुम? मैं नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं एकदम से चिरकुट। तो खड़े हो जाओ यहाँ पे चिरकुट ले। मैं तुम्हारी गाय बाँ कर रहा है, तो जब गाय हूं तो बात बोलूंगा। बाने बोलोगे? ये क्या है? मेरे बालों खट डाला किसने? तुसने? अरे हम ऐसा नहीं कर सकते भाई। बताओ मेरे इतने बड़े, अच्छा किया है? क्यों? नगुआ के पास जाता तो 60 रुपए लेता। आपने बहुत बढ़िया किया, एक काम करो, आधे बाल काट डाले, वो साफ कर दियो। क्या क्या समझे? क्या समझे? क्या समझे हमको? नव ठाकुर, नव ठाकुर। क्या समझे हो? नव ठाकुर, नव ठाकुर। नहीं आप ठाकुर, ठाकुर ठाकुर ठाकुर, नव ठाकुर, खबरदार मान ना देना। इतना क्रोधित हो ये भाई साहब, भाई साहब इतना क्रोधित हो ये भाई साहब, मान ना देना भला भाई साहब। अरे अरे भाई साहब इतना क्रोधित हो ये, काफी भय लग रहा है आपको। अरे बसंती, ए बसंती, चल नाच के दिखा रे। हम कुत्तों से बात नहीं करते हैं। हम कुत्तों से बात करो, हमने ये डंडी बोल लागे दिए। मुंह से लुफड़ा है नहीं, बीच में नहीं भौरी पर आते। हाँ ले, ले अच्छा मान, हाथ आगे, हाथ आगे कर, नहीं हाथ आगे कर, लागत है यार लुफड़ा है, लागत है आगे यार। अरे भाई साहब श्रीमान, क्या कहा यार? श्रीमान महोदय, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, अब मानना नहीं। बहुत बढ़िया मलाई है यार। तुम्हारे बालों खाट डाले नहीं कहूंगा,
एक काम करो। क्या काम करना है? मार के सूत्री कर दिए यार। गरम किया तुमने? नहीं यार। अब करें? ना कर भैया मोर पुरखा। अब हो? अब ठीक है, अब गाड़ी हीट हो गई है। एक काम करो। क्या है? आपका नाम? हम नहीं जानते। नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? कौन बोल रहे है? हम बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं। तो कौन बोल रहा है? हमारा नाम लक्ष्मण है। क्या नाम है? कुलक्षण। कुलक्षण क्या है? भाई तो कह रहे हो कि कुलक्षण नाम है। लक्ष्मण। लक्ष ये नाम परिवर्तन करो, इसमें बहुत बड़ा ब्रेकर है। लखनलाल। हेलो मिस्टर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। अरे 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 तैयार मार डाला। अच्छा ठीक है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। लखनलाल। अच्छा लखनलाल। आपका नाम लखनलाल? लखनलाल। और जो आपके साथ में थे वो हमारे, पहले ये पूछो है कौन? है कौन? वो हमारे बड़े भैया है। बड़े भैया? बड़े भैया है। ओ कम है ना, बड़े हैं। इसको बढ़ाइए। कुछ दिन बड़े हैं। कुछ दिन? हाँ। इसको इतना बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए कि मुझको न समझ में आए कि क्या बोल रहे हैं। नहीं तुमको समझ में आना भी नहीं चाहिए। अच्छा अवश्य ठीक है। तो अच्छा आपके बड़े भैया का क्या नाम है? मर्यादा पुरुषोत्तम दीन बंधु दीनानाथ अरकुल कमल दिवाकर का कुछ कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या हो गया ये पहले बताओ। परम पिता दीन दयाल करुणा सिंधु करुणा निधान प्रभु श्री राम जी। एक बार बताओ। बताओ ये एक जने का नाम आगे पूरे मोहल्ला भर का? नहीं नहीं, नाम उनका श्री राम जी है, लेकिन जिनका नाम है उनके नाम पर इतनी उपाधियां लगाई है भक्तों ने, तो वो उपाधियां बता रहे थे तुमसे। भयंकर उपाधि। क्या हो गया राजपाल यादव? लगता है तुम्हें गर्म करना पड़ेगा। आपके आपके बड़े बड़े भाई के नाम श्री राम जी? अच्छा श्री है? तुम्हारी तो कहा तो श्री है। अरे ये श्री सम्मान सूचक शब्द है। मतलब अपने से बड़ों के नाम के आगे श्री का संबोधन आवश्यक होता है। ओ अपने से नाम अपने से बड़े के श्री लगाओ जाता है। बस हमारे डिपार्टमेंट में तो छोटे के श्री लगाओ। अच्छा हाँ कौन लगा रहा है? जाने कितने लगा गए, न जाने कितने जनार्दन। तुम्हारे भी किसी ने लगाई है क्या? हमारे नहीं लगा पाओ। को लगवाना चाहते हो? मैं नहीं चाहता हूँ। जाने कितने सिरे लगवाना चाहते हो तो तुमको एक आश्रम बताएं हम। कृपया करके हम आश्रम में नहीं रहता है, जहाँ आश्रम होते हैं वहीं हम पहुँच जाते हैं, वहीं बगदादी था। नहीं तुमको आश्रम भेजना पड़ेगा लगता है। अच्छा तो आपके बड़े बड़े होने के कारण उनका नाम श्री राम जी। अच्छा जो अपने से बड़ा हो उसके नाम क्या कि श्री लगाया जाता है? लगाया जाता है। जैसे एमओ से खंबा बड़ा है तो यही कहियो श्री खंबो। क्या मतलब? मतलब श्री खंबा व्यक्ति। मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ये वस्तु है। व्यक्ति व्यक्ति। हाँ तो ठीक है, आज से मैं कहूंगा अपने को श्री चिरपोटन लाल एक बुकेश मिस्टर चट्टा। तुम खुद को क्यों कहोगे? कहे मैं तो अपने अपने आप से बड़ा हूं ना। अच्छा आपका नाम हो गया, आपके भाई का नाम हो गया, तू सुन चाहिए। छबलाल ठेकेदार जी आपकी ओर से 10 मुद्राएं प्रदान हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वो कह रहे हैं लखनलाल जी मारिए इसको। ले आए। मर गए? मैं मारो आधारो हूं। चलो ये मर तो गया ही है, इसका मैं मस्तक काटे ले रहा हूँ। लुफड़ा नहीं क्यों? जब मैं मारो धरो तो काटा था। अरे तो तुम मर गए हो तो बोल कैसे रहे हो? ये मोर आत्मा भड़बड़ा। तुम कोई बात नहीं, तुम्हारा मस्तक काटे ले रहे। जिंदा है यार। फिर यार आओ, आओ, फिर यार जिंदा फिर यार जिंदा हूँ। मोरे दीनानाथ जगन्नाथ परमनाथ शिवनाथ। कुछ ज्यादा नाथ हो गए। हेलो स्कूज में हम। अच्छा आपका नाम हो गया, आपके भाई के नाम हो गया, आपके पिताजी का क्या नाम है? चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं हम। ओ समझ गए। समझ गया। दशरथ लोधी के लौंडा।
क्या कह रहे हो? दस हड़ताल लो दिए। किसके हैं? किसके हैं? दस हड़ताल आगे का किसके हैं? दस हड़ताल लो दिए। किस किसके हैं? पन्या। ये क्या है? मुख से अच्छी तरह बो। क्या ये क्या है? ये लगती है ना तो लगने के लिए मार रहा हूँ। नहीं, ये लगती है तो मेरी आवाज बदल जाती है। आवाज ना बदलनी चाहिए। किसके पुत्र है हम? किसके हैं? आपका नाम? चक्रवर्ती सम्राट। बोलो। चक्रवर्ती सम्राट। महाराजा धीराज। महाराजा धीराज श्री दशरथ जी के पुत्र है। श्री दशरथ जी के पुत्र। अब पूछो किस नगर से। जाने बैठ पाऊंगा कि न बैठ पाऊंगा। अच्छा, आपके पिताजी के नाम श्री दशरथ जी? दशरथ जी। इनके पिताजी के नाम श्री दशरथ जी? अबस। पापा का क्या मतलब? मतलब पिताजी का नाम श्री दशरथ जी, तो पापा का क्या नाम है? पापा कौन होते हैं? पापा नहीं है, हमारे पिताजी होते हैं। पापा नहीं, पापा दूसरी भाषा में है क्या ये कोई? मतलब पिताजी का नाम श्री दशरथ। हाँ। पापा जी का नाम भी श्री दशरथ। हाँ? तो डैडी का? उनका भी। अरे ये बताओ, व्यक्ति एक ही है भाई, सिर्फ भाषा बदल रही है। व्यक्ति एक है, संबंध एक है। तो आपके पिताजी एक हैं? मतलब एक बाप एक है? अवस। और अम्मा? तीन। क्या हो गया? अम्मा तीन, अब बाप वन पीस। बहुत नाइंसाफी है ठाकुर। तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा होता है कि माताएं चाहे जितनी हो, बाप एक होता है। हैं? बाप एक होता है, माताएं चाहे जितनी हो जाए। हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? हमारे यहाँ अम्मा एक होती है और बाप चाहे पूरा गांव भर बनो रहा है। तुम्हारे कितने हैं? हमें क्या पता? हम पता है मोहल्ला की मेहरबानी से, गांव की परेशानी से या पैदा भाव। हम जिस नगर से आए हैं उस नगर का नाम अवधपुरी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब ना बुलाऊंगा, आप जाइए ना। इसे थोड़ी जाएंगे, फिर कैसे जाओ? कुछ भेंट समर्पित करो फिर जाएंगे। भेंट? भेंट भेंट का है? ले इसको, लेते जाओ इसको, ले लिया। मैं इसका क्या करूंगा? चार्जिस के खोपड़ी में भेर मार। क्या करूंगा मैं जब मेरे पास धनुष है? आओ तो ठीक है, ये ना ले जाओ, इधर आओ। एक काम करो, इसको लेते जाओ। मैं इसका क्या करूंगा? यही तो उखाड़ डालो। खत कहीं क्या? तो भेंट क्या करूं? अरे कुछ है, पुष्प अक्षत द्रव्य। हमारे पास ये नहीं रहता, हमारे पास है ऋषियों की आते हैं पचौनी, ये होती है हमारे पास। तक काट दूंगा तेरा। तो और अगर एक भी शब्द आगे बोला तो? और हमारे पास कहाँ होगा? इधर आ। उधर पहुंच गया। भजन आते? हाँ खूब धमक। अरे तो पहले बताना चाहिए था। बताओ, हम तुमको मारते ही नहीं। यानी भक्त हो तुम? हाँ धमक के भक्त हूँ। और हमारे हुकुम राजपूत जी चक्की वाले, आपकी ओर से 51 मुद्राएं हमारे सुरेश कक्कर जी के लिए, 51 मुद्राएं श्री लखनलाल जी के लिए प्रदान हुई, यानी कि 100 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, भजन सुनाऊं? भक्त हो तुम? हाँ। अरे तो पहले बताना चाहिए था, हम तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रहार ना करते। आओ तो ठीक है, भजन सुनाओ, तुमको छोड़ देंगे, चले भी जाएंगे। भजन? भजन हाँ ठीक है। देखो मैं अभी भजन सुनाता हूँ, बढ़िया वाला भजन। बढ़िया वाला सुनाओ, बढ़िया वाला ब्याज जी सुनाओ। तेरे इश्क़ में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, दूसरा सुनाओ। कबीर जी का होना चाहिए?
अलगला जी जिसमें राम जी का नाम हो ऐसा भजन सुनाओ। ओ जिसमें राम जी का नाम हो, आओ अभी सुनाता है। मेरा पिया घरे आया ओ राम जी, मेरा पिया घरे आया ओ राम जी। ये बता, ये ओ राम जी तो ठीक है, लेकिन ये भजन में पिया घर कहां से आ गया? आ मेरा तीन चुरा ले आया। अच्छा तो ऐसा है, तुम सिर्फ राम जी का नाम लेना और आज से आसुरी कर्मों का प्रत्याग कर देना। ठीक है, आज से आसुरी कर्मों का। ये बताओ, तुम पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बिल्ली। हमारा नाम नहीं जानते हो? हमारा नाम हमारा नाम है रेड ब्यूटीफुल चड्ढा। क्या नाम है? मिस्टर रेड ब्यूटीफुल चड्ढा। समझा नहीं अभी। ले ओ ब्यूटीफुल रेड चड्ढा। अरे अच्छे से बताओ थोड़ी अपनी भाषा में। ब्यूटी ब्यूटीफुल माने सुंदर, रेड माने लाल। लड़कों के लिए हैंडसम लगेगा, सुंदर नहीं लगेगा। ए हट, ज्यादा इंग्लिश ना पो। ब्यूटीफुल माने सुंदर, रेड माने लाल, और चड्ढा माने चड्ढा, तो सुंदर लाल चड्ढा। तुम्हारा नाम है? हाँ। पिताजी का नाम? कहे राशन कार्ड बनाओ धोगा। क्या है? क्या है? क्या है? हमारे पिताजी का नाम है मिस्टर। क्या नाम है? मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब हमारे पिताजी के नाम है मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट। अरे इसको हमारी भाषा में करो उसको। अच्छा, हमारे हमारे पिताजी के नाम है, हमारा नाम है सुंदरलाल, हमारे पिताजी के नाम ला मोतीलाल, और बाबा बाबा का नाम गिरधारी लाल, जाने कितने लाल है। और देखिए भाई, हमारे कल्ली कुशवाहा जी हटवारा मोहाल, रोशनी पाल जी लालती पाल, आपकी ओर से 10 मुद्राएं। और देखिए फिर वही हमारे हुकुम राजपूत जी चक्की वाली, आपकी ओर से 100 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है, अब मैं भजन सीख लूंगा। ठीक है, आप भजन सीख लूंगा। हाँ ठीक है, भजन सीख लूंगा मैं। अभी थोड़ी जाने वाले हैं, कहने सीख ना लोगे, हम सिखा के जाएंगे। और सुनाओ, सुनो। हम यहाँ बैठे भजन बैठ के सुनेंगे, और जो भजन गड़बड़ हो तो इधर आ जाना प्रसाद लेने, यहीं से प्रसाद देंगे हम। हाँ सुनाओ भजन। मैं बैठे बैठे सुनाई हूँ। मैं तेरे प्राण ले लूंगा। हाँ तो कहे, अगर बैठे बैठे सुनाएगा। तुम बैठे बैठे सुनिए तो मैं बैठे बैठे सुनाऊंगा। सुना भजन, भजन कहो, भजन सुनाओ। अच्छा सुनो, कुछ शास्त्रीय संगीत पर सुनाओ भजन। शास्त्री शास्त्री पद्धत पर और ले ओ सुनाओ। अभी देखो शास्त्रीय संगीत पर सुनाता हूँ। ठाट बांधो, ताल ताल। थोड़ी गंधर्व बैठे हैं, इनको भी थोड़ी इनकी गहराई मापो। अभी नापता हूँ। मापो मापो रव्याज जी। अच्छे से छेड़िए राग। कौन सा राग का नाम है? सांगड़ा। ए, ये कौन सा राग है? है ये कौन सा राग है? ये सबसे अलग राग है। तुमने बनाया होगा? ये हमने बनाया है। अरे बाप, बहुत ज्ञानी हो तब तो। भयंकर ज्ञानी हो। छोड़ छेड़ो छेड़ो छोड़ो, अभी छेड़ता हूँ ब्याज जी। छेड़ो रंग ए, ज्यादा खर्च में हो रहा है। अच्छा ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। ए, ये क्या है? आ, ये किसी स्वर में नहीं आ रहा है तुम्हारा। और स्वर में लगाऊं? स्वर मिलाओ पहले। आओ ए, ये क्या है? रुको, अब मिलाओ स्वर। आओ मिलाओ। अरे बढ़िया, मैं स्वर मिलाओ। यही सोरा मिलाना था। खाट बांधो, खाट खाक बांध रहा हूं। सा आगे आ गया। स
ये बता, ये तेरा सातों समझ में आया, लेकिन ये जो तूने रे लगाया ये बड़ा गड़बड़ था। ये हमारे पिताजी कह रहे थे किसी को रे ना कहना, तो इसको सही करो, सरगम सही करो पहले। अच्छा, सारे गाना ये माँ में बकरियों जैसी आवाज कैसे आ गई? अब मैं ना पहुंच पा रहा हूँ ना। ना ऐसा ना होना चाहिए, आओ सही करो, आओ माँ है। सारे गामा पा और देखिए सुरेश जी किल्टा रखा जहां भी हो यहाँ आ जाए। भैया कह रहे हैं सुरेश जी के सामने कह दे हो किल्टा रखा किल्टा रखा जहां भी हो आ जाए। भैया किल्टा रखा, हेलो 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 मिस्टर किल्टा रखा। ठाट बांधो तुम, आओ ठीक है मैं बांध लूंगा, मेरा ठाट उल्टा हो गया है। बांधो बांधो, अब मैं बांध लूंगा। अच्छा आप जाइए, अभी ना जाएंगे। नहीं जाइए, ज्यादा हो रहा है। हम नहीं जाएंगे, ज्यादा हो रहा है। हम नहीं जाएंगे, ना जा मैं से ऐसे पकाता हूँ फिर मैं तुम्हारा मस्तक काट दूंगा, समझ लो बात को। हाँ बहुत हो गया ऐसा है, जा तो रहे लेकिन किंतु परंतु चूंकि अपितु इसलिए अगर तुमने जरा भी उदंडता की असुरता का परिचय दिया तो हम तत्काल वहीं पर प्रकट हो जाएंगे। ओके अगर हम आए तो खाली नहीं जाएंगे। ठीक है यू कैन गो, तुम्हारा मस्तक काट के ले जाएंगे। मैं फिर लगा लूंगा ना मस्तक, लो हम काटे दे रहे हैं। नहीं अच्छा आप जाइए, मैं उदंडता ना करूंगा। क्या ना करोगे मतलब? नहीं वही वही बोलो, उदंडता। नहीं नहीं अभी शुद्ध उच्चारण करो, उदंडता उदंडता अभी सही नहीं हुआ, शुद्ध चाहिए। मैं शुद्ध बोलूंगा मेरी जीभ लगती है, जाओ। भाग गए।